schooling. गुज़ा बात हुई थी इसमें बताया गया था कि अल्लाह तबारक ने बनी इसराइल को उनकी बदामियों की वजह से मुख्तलिफ मौक़े पर उनको सज़ा दी गई लेकिन दो मौे ख़ास तौर पर ऐसे थे कि अला ने उसका जिक्र यहाँ पर फरमायाल लुतफ़ाफ़िलदी मरतिन वलतना कबीरा कि तुम जो है दो मरतबा फसाद मचाओगे और अल्लाह तबारक तला फरमाते हैं कि और तुम ज़रूर सरकशी करोगे फिदाजा वाद उलामा बासना बबादल ना उलिबास शदीदिन फ़जास खिलाल दियार अल्लाह फरमाते हैं जब दो में से पहले का वादा आएगा तो हम अपने बंदे तुम पर भेजेंगे और वह कैसे होंगे उली बसिन शन वो सब कस्म के जंगजू टाइप के फ़ास खिला और वो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे वकान वादम मफूला और ये अल्लाह तबारक ताल का वो वादा है जो होकर रहेगा सुद नाल मलकर्र तम वमद नाकुमाल बनीन अब उसके बाद अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया कि फिर लौटाएंगे हम तुम्हारे तुम्हारे लिए बारी उन पर और हम मदद पहुंचाएंगे तुमको अमवाल बेटों से और अल्लाह तबारा का एक वादा था कि अगर तुम फिर सही हुए तो हम तुमको दोबारा वो चीज़ें तुम्हारी दे देंगे यानि माल दौलत की शक्ल में और औलाद की शक्ल में और अल्लाह फरमाते हैं कि हम तुमको एक बड़ी जमात बना देंगे यानी मतलब यह कि जो क़ोत जो ताकत तुमसे छीन ली गई थी वो तुम्हें दोबारा दे दी जाएगी इन अहसन तुम अहसन तुम ली अनफु व इन तुम फला अगर तुमको अच्छा काम करो तो गोया के तुम अच्छे काम अपने लिए कर रहे हो वही नशा तुम फला और अगर कोई बुरे काम करो तो गोया वो भी अपने ही लिए यानी यहाँ पे जो है ना एक उसूल अल्लाह तबारक वाली बताते हैं इन हसन तुम लिए अनफुसिकुम कोई अच्छा काम करो तो तुम अपने ही लिए कर रहे हो उसमें अल्लाह का कोई भला या फ़ायदा या यही समझो कि भाई हम करेंगे तो अल्लाह को जो है ना ये उसका कुछ फ़ायदा होगा या अल्ला तबारक वाली की बड़ाई में कुछ इजाफा होगा फरमाते हैं कि अल्लाह का इससे कोई तल्लु नहीं है और दुनिया के अंदर भी हम देखें तो बात बिल्कुल समझ में आती है जितने अच्छे काम करता है इंसान उसका फ़ायदा उसी को होता है उसका फ़ायदा उसी को होता है तो अल्लाह तबारक ताली ने यहाँ के हवाले से भी ये बात फरमाई और आखिरत के हवाले से तो है ही वही नशा तुम फला और अगर तुमने कोई गलत काम किया तो दुनिया में भी उसका रिज़ल्ट इंसान को नज़र आ जाता है और आखिरत में तो है ही तो इस तरीके से अल्लाह तबारक जो अपना क़ानून बयान फरमाया दोनों जगह के लिए जा आवादल आख़िरत लिए उ वजू हकुम वलीमस्जि का मादा खल हुआ वोलामर्रा वली तब भी रुमाल उ तदबीरा और फिर जब आएगा पिछला वादा तो अल्लाह तौर फरमाते हैं कि फिर हम मुसलत करेंगे तुम पर सख्त जंगजू ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और ताकि वो घुस जाए मस्जिद में जिस तरह वो घुस गए थे पहली बार वलीव तब भी रुमाल तदबीरा और ताकि वह खूब बर्बाद कर डालें उस चीज़ को जिस पर वो बुलंद हो यानी मतलब है कि जिस पर उनको गलबा मिल जाए वो उसको ख़त्म कर देंगे तबाह कर देंगे असा जअलना जहन्नम लिल जहन्मिलकाफ़िर हसीरा और उसमें अल्लाह तबारक तआला ने एक अपना यह वादा भी रिपीट किया कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर हम फरमाए मेहरबानी फरमाए लेकिन व इन उदना अगर तुम लौटोगे तो हम लौटेंगे यानी तुम लौटोगे तो हम लौटेंगे यानी मतलब ये कि अल्लाह व तआला फरमाते हैं कि अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो हम भी वही करेंगे यानी अगर तुम दोबारा सरकशी में मुब्तला हुए अल्लाह फरमाते हैं कि हम भी जो है ना अजाब का कोड़ा तुम तो पे दोबारा बरसाएंगे तो बरसाएँगे वहीदुना <coughs> उसके बाद अल्लाह तबारा फरमाए कि नहाद अल्णा यहदीदी अकुम वशरमीन या मलुन असिहद अनुरा कबीरा कि बिलाशुबा यह कुरान ये हिदायत है ये कुरान हिदायत बतलाता है उन लोगों को या वो रास्ता बतलाता है उन लोगों को ही यह अकुम जो कि बिल्कुल सीधा है यानी अल्लाह तबारक तबारा फरमाते हैं कि कुरान जो रास्ता दिखाता है वो रास्ता बिल्कुल सीधा है सीधा, सीधा रास्ता बताता है और क्या करता है कुरान वशरमिन और ममिनिन को खुशखबरी देता है कौन से मोमिन अ लदीन सालिहात के जो लोग अच्छे काम करते हैं भले काम करते हैं किस बात की खुशखबरी देता है अनलहुमजर कबीरा कि उनके लिए जो है ना बहुत बड़ा अजर है और उसके बाद तबार को ताल फ़रमाते हैं कि कुरान ये भी कहता है व अन लदीनबिला आख़िर और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं आतदनालहुम अलीमा कि हमने उनके लिए सख्त कस्म का अज़ाब तैयार कर रखा है ये जो है अल्लाह तबारक का वादा यहाँ पर इसके बाद वाली जो आयत है दो एक आयत वैद्सान बततरद वाहूबाल खैैैर वक़ानल इंसान आजूला यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हुई थी जिसमें अल्लाह तबारक ताल फरमाते हैं तर्जुमा इसमें से मज़ा अच्छा और इंसान बुराई की दरख्वास भी इस काज से करता है जिस तरह भलाई की दरख्वास इंसान है और भलाई की दरख्वा जैसा कि और इंसान है ही जल्दबाज ये वो बात है कि जो यहाँ पे ज़िक्र की गई है और इसके बारे में जैसे बात आई थी कि सबसे पहली बात तो या इंसान से क्या मुराद है क़ुर मजीद में आम तौर पर ऐसे मौाक़ पर जब इंसान बोला जाता है तो उससे मुराद काफ़िर होता है यानी वो इंसान जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखने वाला अब आप देखें जो सिफ़त बयान की जा रही है वो वैदुला इंसान बशर अबैैैर वकानसान वजूला के इंसान जो है ना अपने ऊपर बुराई को भी इसी तरह मांगता है जैसे कि भलाई को मांगता है अब अंदाज़ा लगाइए वकान अल्सान वाजूला और इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़ हुआ है तो अब आप इसको अगर याद रखें मैंने आपको बताया था नज़र बिन हारिस का जो वाक़ मज़ब बदर के मौके पर उसने अपने लिए बद की थी कि भाई अगर ये हक है तो हम पे पत्थर बरस जाए अगर ये हक है तो हम पर अभी इतना भी आदाबी नलीम सख्त आदाब क्यों नहीं आ जाता हम पे ऐसा तो इस तरीके के उन लोगों ने ये अपने ऊपर गोया के बदुआई की थी अल्लाह फरमाते हैं कि अपने हक़ में ख़ुद ही वो मांग रहे हैं ये तो हो गया जब अगर आप उसको और आम तौर पर बहुत सी जगह है हल्ल तसान हीन उमिनद्दाह अमद कूरा तो वहाँ भी जो है ना उमूा ये ऐसी जगह पर जहाँ पर आम तौर पर अगर इंसान अलग से मुराद लिया जाए और उसके बाद कोई ऐसी बुराई बयान की जाए या कोई ऐसी सरक़ी बयान की जाए तो उससे काफ़िर मुराद होते हैं लेकिन यहाँ जो मफहम है इस मफहम को हम जनरल भी रख सकते हैं आम भी रख सकते हैं क्या आप देखें कि जैसे उसके ज़िमन में वो बात आई थी गुजत कि इंसान जो है अपने हक में कभी बुराई को ऐसे मांगता है जैसे भलाई का मांग भलाई का मांग यानी तकाज़ा करना होता है आपको जैसे आदमी क्या करता है तकाज़े से मुराद यहाँ पे इसको समझने के लिए आसान तरीक़ा वो है कि जैसे बच्चा ज़िद करता है किसी चीज़ को जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो बच्चा कैसे लिपट कर कैसे आजीजी से कैसे रो रो कर जो है मांगता है तो गोया अल्लाह तबार तरफ बताते हैं कि इंसान भी अपने हक़ में इसी तरीके से बुरी चीज़ को मांगता है अब ये इंसान का बुरी चीज़ को मांगना कैसे है अब जाहिर है कि जब अल्लाह तबारा को तला फरमाते हैं तो ये अल्लाह के अपने इल्म के मुताबिक है अल्लाह के इल्म के मुताबिक ये बुराई को मांग रहा है हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है मुझे ये चाहिए अब मिसाल के तौर तो पर अगर कोई आदमी गरीब आदमी अगर पैसा मांगे तो कोई भी समझ में आती बात और जो है ना कोई भूखा आदमी रोटी मांगे बात समझ में आती है इस तरीके से जो आदमी अपनी ज़रूरत मांगे वो बात हमें समझ में आती है लेकिन यहाँ अल्लाह तबारा ताल फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ने किसी को इतना दिया हुआ है कि फिर उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और फिर वो अल्लाह के सामने जो है ना एक ही चीज़ को मांगे जा रहा है मांगे जा रहा है फिर उसके बाद इंसान को यह तसवुर होता है कि भाई मेरी दुआई नहींबूल होती तो अल्लाह तबारक ताली फरमाते हैं वैदालांसान बशर दुआबाल ख़ैर मामला यह है कि अल्लाह को मालूम है कि किस वक्त आपको देना है कितना देना है क्यों कि बहुत सी मरतबा बड़ी अजीब यानी इसकी हमतें बयान की गई है कि बाज मरतबा किसी को न दिया जाए तो उसके ईमान का ख़तरा होता है तो इसलिए अल्लाह तब उसको दे देते हैं इतना दे देते हैं कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है वो उसके हक़ में वो अल्लाह तब कहते हैं इसको इतना चाहिए अगर ना दें उसको तो उसके ईमान का ख़तरा है और बा मरतबा क्या होता है कि अगर अल्लाह दे दे इंसान को तो उसके ईमान का ख़तरा होता है तो इसलिए वो अल्लाह के इल्म में है अल्लाह तबारक वाली हमारी भलाई के खातिर हमारे ईमान को महफूज रखने के लिए और हमारे दर्जा बुलंद करने के लिए ये निज़ाम चलाते हैं किसको कितना देना है और बहुत सी मरतबा ये भी होता है कि इंसान ये नहीं समझ पाता कि भाई ये मुझे अभी क्यों नहीं मिल जाता यानी आपने देखा होगा कि उमूा जैसी जैसी ज़रूरतें बढ़ती हैं अल्लाह तबारक उसके साथ इसबाब भी ऐसे उसके बढ़ाते जाते हैं आहिस्ता 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 वो एक तरक्की होती तो ये जो है अल्लाह का एक निज़ाम है पूरा और दुआ वैदुलसान बशतर खैर इसके अंदर एक बात वो भी मैंने जिक्र की थी कि जिसमें बताया गया था कि बहुत से मरतबा क्या होता है कि आदमी जो है ना अपनी ही चीज़ों को बदवा देता है मिसाल के तौर तो पर आपने अपनी औलाद को कोस दिया माल को कोस देते हैं लोग कभी नुकसान हो जाए तो जो है ना ये बिज़नेस ऐसी की तैसी फिर उसको जो है ना दो चार जबान से नवाज भी देंगे कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फरमाते हैं कि ये जो है जबान को जो है ना इस तरह से चीज़ें निकालना इतना सख्त होता है इतना सख्त होता है कि किस वक्त यह कबूलियत की घड़ी अल्लाह की तरफ से हो हमें पता नहीं होता क्योंकि हदीस में साफ यह मजमून आता है कि अल्लाह तबारक तारा की तरफ से ये घड़ी चौबीस घंटों में आती रहती है और किस वक्त आ जाए हमें नहीं मालूम इस वजह से ज़बान से ऐसी बात ना निकालो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े अगर आदमी कोई अपनी औलाद को बदुवा दे दे कि इसकी टक्कर लग के मर जाए ये फ़लाना हो जाए सख्त तकलीफ़ पहुँचे अगर किसी को इसी के लिए जन्म दिए थे इनको ये ये तरह तरह की बातें इंसान की जबान पर आती हैं तो यहाँ अल्लाह तबा तला फरमाते हैं कि उस वक्त अपने आप को काबू में रखो ऐसा ना हो कि तुम जो है ना जल्दबाजी में उनके हक उनके हक़ में बदुुआ कर बैठो और वो बदुआ कबूल हो जाए फिर वो इंसान जो ज़िंदगी भर रोता है तो अल्लाह तबात, तबात फरमाते हैं कि वैदालांसान बशर्री दुआ अहूबाल खैीर वकान अल्सान वजूला और इंसान जो है ये कि बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है इंसान बड़ा ही जल्दबाज व हुआ है अच्छा और एक बात यहाँ पे एक और भी तरह मुफसर ने इसको समझाया है फरमाते हैं कि इंसान जो है ना अल्लाह तबारक वाली ने क्या कहा इंसान से कि भाई ठीक है तुम्हारे लिए ये रखा है हमने जन्नत में ये रखी है चीज़ें ये नहमतें तुम्हें मिलनी है ये ये मिलना है तो इंसान क्या कहता है कि भाई यहीं मिल जाए मुझे यहाँ क्यों नहीं मिलती बल्कि ये तो दावा करते थे ये कुफ़ार कुरश नबी पाक साम के पास आके कहते थे कि भाई तुम कहते हो कि भाई वहाँ जन्नत में बाग है नहरें हैं वो हैं तो यहीं दिखा दो हमें नहर यहीं पर हमारे लिए बाग लगा दो इस तरीके के ये दावे करते तो अल्लाह तबारक वाली उसकी तरफ इशारा फरमाते हैं कि अगर किसी चीज़ का हमने वहाँ के लिए वादा किया है तो वहीं पर देंगे ये और फिर दूसरा ये कि अल्लाह जो है ना इसको इसमें इस तरह फरमा दें कि भाई देखिए कि ये आवाज़ नहीं जा रही है इनको आई जी जी डार्ट नहीं आ रही majid.net पर uh, ara तो उस पे मैसेज था बड़ा मतलब मैं ऐसा तो 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 एक सेकंड बसमिन तो ये अल्लाह तबारक वाली फरमाते हैं कि भाई देखिए इसको अल्लाह तबारक दुनिया और आखिरत को एक किस्म का जोड़ा बनाया है ये दोनों मिलकर जो है इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं कुछ ज़रूरतें इंसान की अल्लाह तबारा दुनिया में पूरी फरमाते हैं और बाकी ज़रूरतें उसकी वहाँ पर पूरी फरमाते हैं कुछ ख्वाहत यहाँ पूरी की जाती हैं और बाकी ख्वाहत इंसान की अल्लाह तबारा वहाँ पूरी फरमाते हैं तो इस तरीके से गोया कि अल्लाह तबारक ताली ने दुनिया और आखिरत को जोड़ा बनाया था आगे फ़रमाया कि वालना वनार आय वहाली वन आयत नबरतब वल तद सीसाब वक़ुल्लिनफ़ल तफसी आगे अल्लाह तबारक अपनी कुदरत की निशानियां बयान फ़रमाई है। हैं और उसमें फ़रमाते हैं कि और हमने बनाया रात को और दिन को दो निशानियां अल्लाह फरमाते हैं कि रात को और दिन को दो निशानियाँ बनाया फर्माऊना आयत वजालना आयत नहार बस धुंधला किया हमने रात की निशानी को और फरमाया कि वजालना आयत नहार मुब और बनाया हमने दिन की निशानी को रोशन और उसके बाद फरमाया ल तब त फ़ल रब ताकि तुम तलाश करो अपने रब का फ़ल व वली वल हिसाब और ताकि तुम गिनती करो बरसों की और हिसाब रख सको वक़ुल्श इन व तफसीला और अल्लाह तबार तला फरमाते हैं कि हर चीज़ हमने खोल खोल कर बयान फरमा दी है अब ये यहाँ पर देखें वैसे खैर और भला बुराई को दो दो जोड़ा अल्लाह तबार ने बताया था दुनिया और आखिरत को जोड़ा बताया था इसी तरीके से एक दूसरे जोड़े का यहाँ पर अल्लाह तबारक जिक्र फ़रमाते हैं ये जो कौन सा है दिन और रात का जोड़ा दिन और रात को अल्लाह तबारक ताली ने अपनी आयतों में शुमार फरमाया और इसकी जो है आप साइंसी तौर पर भी साइंटिफिकली भी देख लें जितनी आपको जो है ना इसके अंदर तहक़ीक मिल सकती हैं सारी की सारी इसमें आ जाती हैं अल्लाह ने क्या फ़रमाया उसके बाद दो चीज़ें बयान फरमाई फाउना आए तइन वजालना आयत तहारी मुबसरा कि हमने रात को जो है ना धुंधला बनाया अंधेरा बनाया और दिन को जो है ना देखने वाला उजाले वाला बनाया रोशनी वाला तो ये जो अल्लाह तबारक तारा ने बनाया है इसका भी एक निज़ाम है और ये पूरा निज़ाम है आप इसको देखें कि अगर ये रात ना होती तो आपको दिन की कदर न होती दिन ना होता तो रात की कदर न होती कि ऐसा अल्लाह तबारक ताली ने निज़ाम चलाया है कि आदमी दिन भर थक जाता है तो वो रात के इंतज़ार में होता है कि भाई कब रात आए कि बस आदमी आराम करे और फिर अपने रीअनर्जाइज करे अपने आप को और फिर रात होती है तो इंसान ऐसा नहीं कि अल्लाह तब लंबी कर दें कि उसको जो इंसान सोते सोते थक जाए फिर बोले कि भाई सुबह ही नहीं हो रही नींद पूरी हो गई आपकी फिर भी सुबह नहीं हो रही ऐसा नहीं है अल्लाह तबारक ने दोनों को जो है ना अपने अपने वक्त के लिए बनाया और दोनों को जो है ना निशानी के तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है अब आप देखें दुनिया को जो है ना ये मजमु अजदाद कहा जाता है मजमू का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ जो है ना अल्लाह ने उसके मुखालिफ यहाँ पैदा की है जैसे कि अगर कोई सेहतमंद है तो कोई बीमार है कोई मालदार है तो कोई गरीब है कोई हाकिम है तो कोई महकूम है और कोई काम कराने वाला है तो कोई मज़दूर है इस तरीके से आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का जोड़ा बनाया है और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है अल्लाह तबारक ताल फरमाते हैं ताकि इंसान को उसका एहसास हो उसके नमत होने का जिसके पास वो नियमत नहीं है उसको एहसास होता है अब कोई इंसान है उसके पास सब चीज़ें हैं लेकिन सुकून की नमत अगर नहीं है मिसाल के तौर पर और दूसरा आदमी बाहर उसके पास वो इसबाब नहीं है लेकिन दिली तौर पर कलबी तौर पर उसको बहुत इतमान है बहुत इतमान का मतलब यानी उसको ये परेशानी नहीं है कि भाई मैं कैसे अपने माल को बढ़ाऊँ क्या करूँ जो उसको रोज़ मिल जाता है उसी पर वो कनात कर लेता है ये कनात बहुत बड़ी दौलत है इसी वजह से जो है ना अल्लाह के रसोल सल व् ने दुआ में अपनी दुआ में एक दुआ ये भी फरमाई है अलाका मन रसल गिना गिना की जो दुआ है तो उसमें जो है अभी अल्फाज मुझे जहन पर नहीं आ रहे जबान पर नहीं आ रहे तो दुआ में जो है ना अल्लाह के रसोल सल्लम ने गए कल्बी को भी मांगा है यानी एक तो गनाए जाहिर है कि भाई मालो दौलत मिल जाए इसबाब मिल जाए इंसान को ये भी आप्ल्ल्ल्ल् ने इसकी भी दुआ की है और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ की कि या अल्लाह हमारे दिल को भी गनी बना दे तो यहाँ पे मुफसरिन उसकी वजह बयान करते हैं कि भाई दिल का गनी होने का क्या मतलब है गना तो वही आदमी को ज़ाहरी तौर तो पर सब चीज़ें मिल जाए तो मालदार है तो गनी हो गया फरमाया कि वो चीज़ों का हासिल हो जाना ये मालदारी नहीं है असल मालदारी दिल की होती है अब वो बात आमतौर तो पर नहीं समझ में आती इंसान को कि असल मालदारी दिल की होती का क्या मतलब है यानी कल्ब में आपको इतमान हो जाए जो अल्लाह दे दे उस पर उसको इतमान हो जाए वरना आदमी मिलियनर भी हो सकता है बिलियनर भी हो सकता है मगर उसकी हिरस नहीं बुझेगी अगर उसकी हिरस नहीं बुझी और उसके लिए बेचैन है कि भाई किस तरह मैं उसको एक के दो बनाऊँ दो के तीन बनाऊँ और ये जो चक्कर में इंसान रहता है रात दिन सोच में पड़ा रहता है तो समझे कि वो सुकून उसका छीन गया है तो इस तरीके से तो गरीब होते हुए भी आदमी जो है ना वो उसी फिक्र में है और मालदार होते हुए भी आदमी उसी फ़िक्र में है तो इसलिए जो है ना गिनए बातनी को भी अल्लाह के रसूल सल वसम ने मांगा है तो यहाँ अल्लाह तबारक वाली ने गोया के एक जोड़े के तौर तो पर इसको बनाया है दिन और रात को और फरमाए के लिता उफ़रमक़म फरमाए कि दिन का जो मामला है अल्लाह तबारक वाल ने रोज़ी रोटी की तलाश के लिए इसको बनाया है खास तौर तो पर अब जैसे कि लेकिन निज़ाम ऐसा है कि कभी हो सकता है कि उसके मुखालफत में भी हो यानी किसी को रात भर नौकरी करनी पड़ जाए और दिन में आराम कर सकें ये लेकिन ये क़ानून नहीं है अल्लाह का अल्लाह का कानून य है कि भाई रोज़ी तलाश करना हो तो दिन का वक्त है सर तो ये मजबूरी की कैफियत हो सकती है लेकिन वो इसी वजह से आप देखेंगे कि ये निज़ाम जो है ना हर वक्त नहीं चल सकता अब आप देखें कि वो भी जो जॉब वाले भी क्या करते हैं चेंज करना पड़ता है उनको भाई एक हफ़्ता इसको नाइट ड्यूटी पर रखा तो अब एक हफ़्ता उसको दिन में इस तरीके से ताकि वो बैलेंस रहे वरना तो बिल्कुल ही आदमी जो हमेशा रात में जॉब करने वाले होते हैं उनके अपने जो सेहत के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग हैं उनके तो यहाँ आगे अल्ला तबारक ने फरमाया कि वली तालदसनी न वाल हिसाब और ताकि तुम जान सको इसके ज़रिए से हिसाब और किताब ये हिसाब किताब का क्या मतलब है आप देखें कि भाई कैलेंडर बना हुआ होता है इंसान के पास कैलेंडर में क्या होता है कि रोज़ आप देखते हैं कि भाई ये तारीख हो गई ये दिन आ गया ये तारीख हो गई आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं अब ये जो कैलेंडर बनाए जाते हैं ये दिन शुमार किए जाते हैं इसमें हर एक कहके का अपना मकसद होता है मिसाल के तौर पर अगर कोई काम करने वाला है जॉब करने वाला है तो वो क्या करता है वो देखता है भाई अच्छा इतने दिन के बाद मुझे मेरा चेक मिल जाएगा तो उसको अपनी एक वो है किसी कर्ज़दार को उसका अपना मसला है इसी तरीके से हर इंसान को देखा आप देखें चाहे वो उस सिलसिले से रिलेटेड ना हो काम वगैरह से फिर भी वो दिनों को और अयाम को जो है ना वो उसका हिसाब रखता है अब यहाँ पे ये सवाल करें अगर आदमी अपने आप से कि भाई ये क्यों रखता है इंसान शुमार किस चीज़ की तरफ जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर मजदूर है या काम करने वाला है तो वो तो देख रहा है कि भाई मेरा पेचक मिलने वाला है इस वजह से वो दिनों का इंतज़ार करता है उसको कम करता रहता है लेकिन उसके अलावा भी हम काउंट करते हैं ये क्यों क्या है तो ये जो है ना ख़ुद ब खुद ये इस बात की तरफ इशारा है कि भाई आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो क्या है इंसान की मौत इंसान की मौत और इसमें जो है ना गोया कि अल्लाह तबारक ताली ने अंदरूनी तौर पर हमारे लिए ये बात रखी है कि हमेशा के लिए यहाँ कोई नहीं आया इसी तरह दिन गिनते जाएंगे आप भी चले जाएंगे तो ये अल्लाह तबार को ताल कि उसमें भी सबक रखते हैं कि भाई कैसे तुम अपना कैलेंडर मेनटेन करते हो फ कि इसी तरीके से हमारे यहाँ हमारे कैलेंडर भी मैंटेन होते हैं एक एक दिन पे बाद वो कैलेंडर आते हैं ना रोज़ एक वर्क आप फाड़ देते हैं उसका तो नेक्स्ट डे आ जाता है वर्क़ फाड़ दिया आपने दूसरी तारीख आ गई तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का भी एक एक दिन वो उलट नहीं रहा बल्कि फट रहा है तो वो वापस आने वाला तो नहीं है तो वो दिन गया वो तारीख़ गई हमारी ज़िंदगी से इस तरीके से गोया कि अल्लाह तबारक वाली ने इसमें हमारे लिए एक वो फ़ायदा भी रखा है <खँँँगा> अब उसके बाद अब आप ये जो वल तालदीन विसाब ये जो अल्लाह तबारक व ताली ने यहाँ पर जो निज़ाम रखा है कि देखें शरीय में दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं अल्लाह तबारक व वाली ने चाँद पर भी निज़ाम रखा है सूरज पर भी निज़ाम रखा है जो अवात का तय है अकात का तय जो है चांद से होता है सूरज से होता है आप देखिए मिसाल के तौर तो पर ये फजर का जोहर का असर का ये सब जो न, है ना इसका ताल्लुक सूरज से और एयाम का ताल्लुक़ जो है वो एयाम और महीनों का ताल्लुक जो है वो अल्लाह तब ने चांद से रखा है कि भाई ये महीना कब शुरू हो रहा है वो महीना कब शुरू हो रहा है ज़ाहिर है कि उस महीने के हिसाब से फिर रोज़े आ जाएंगे फिर आपके कुर्बानी बकरीद और हज वग़ैरह सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने वो उससे ताल्लुक़ है उसका يسك الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أجه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا अब अल्लाह तबारक ने यहाँ पे एक अजीब यानी वो बात फरमाई है वो कुल इंसान हर इंसान को हमने कि अल्जमना हु। अल्जमना हु क्या कियाज़म ना होज़म ना हो के माने आते हैं लाजिम कर देना किसी के ऊपर लाजमी तौर तो पर यह आपको लेना है जैसे अगर कोई चीज़ आपको दी जाए तो आपके ऊपर लाजि हो जाती कोई चीज़ जैसे होता है ना कि भाई किसी को देना हो पैसे देना हो या आप किसी का कोई चीज़ बाकी हो तो ये मेरे ऊपर लाजिम है भाई मैं इस तरह ये तो ये उर्दू का लफ्ज़ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं अल्लाह फरमाते हैं कि वकुलसान अज़मना ता रहू ता रहू के माने आते हैं तायर के माने आते हैं परिंदे के परिंदा और तायर के माने क्या हुआ कि भाई परिंदे का मतलब उड़ने वाली चीज़ अब यहाँ अल्लाह तबारा तारा फरमाते हैं कि कुल वकुल्सान अलज़माहू के हर इंसान के ऊपर हमने लाजिम कर दी है उड़ने वाली चीज़ तय रहू उसकी गर्दन में तय रहू उड़ने वाली चीज़ फ़िर उसकी गर्दन में और न के माने आते हैं गर्दन में अब यहाँ अल्लाह तबारक तआला किस बात को बताना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि इंसान का नाम आमाल हर एक के ऊपर लाजिम है हर एक को दिया जाएगा और हर एक जो है ना अपने नाम आमाल को पढ़ेगा तो अब ये वकुल इंसान इन अलज़मना होता आरो गोया कि अल्लाह तबारक ताली बताते हैं कि इसको ताइर क्यों कहा गया जैसे कि हदीस में आता है कि क़ियामत के दिन क्या होगा कि नाम अमाल जो होंगे इंसान के ऐसे उड़ाए जाएँगे नाम अमाल ऐसे हवा में उड़ाए जाएंगे जिसका नाम है अमल उसी के पास आएगा ऐसा नहीं कि भाई जब वो हवा में उड़ रहे हो तो आप किसी का भी पकड़ लें ये नहीं होगा कि जिसके पास जिसका नाम है अमल होगा वही उसके पास पहुँचेगा हवा में उड़ते हुए तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तौर ने यहाँ पर उसका ज़िक्र फरमाया तय रखू कि ये उड़ने वाला उड़ते हुए जो ना आएगा यानी नाम अमाल इंसान का नाम अमाल वनुरीजूल हूँमती किताब का मंशूर आ और अल्लाह फरमाते हैं कि हम निकालेंगे क़्यामत के दिन उसके लिए किताब किताब से मुराद यानी जो लिखी हुई चीज़ है किताब से मुराद यहाँ पे लिखी हुई चीज़ यानी वही नाम अमाल जो चीज़ लिखी जाएगी अच्छा यल्काहु मंशूरा अल्लाह फरमाते हैं कि जिससे वो मुलाकात करेगा अब ये जिससे वो मुलाकात करेगा का क्या मतलब कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम क़्यामत के दिन सब के नाम अमल निकालेंगे सबकी किताबें निकाली जाएगी और जब निकाल के उनके सामने लाई जाएगी वो उसको देखेगा वो पढ़ेगा अब उससे मुलाकात होगी मुलाकात यलका मुलाकात होने का मतलब क्या है कि अल्लाह फरमाते कि वो अब खुल्लम खुला अपने सामने देखेगा अभी दुनिया के अंदर जब अल्लाह तबारक ताल हमें यह बताते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्रामन कातबिन मौजूद हैं ये आलमोन मातफ़लबरारफ़ी आईम मायल्फुमिन क़ोलिनदही रकीबनआत अ फरमाते जो भी लफ्ज़ तुम जबान से निकालते हो वो लिखा जाता है अच्छा बुरा उसका फ़ैसला तो बाद में होगा लेकिन अल्ला फरमाते हर चीज़ लिखी जाती है चाहे वो लहबोलब हो गैर गलत बातें हों का जिक्र हो सुबहानल्ला आपने कहा हो कोई भी जुमला हो आपकी ज़बान से कोई बामाना लफ्ज़ निकला और उधर वो लिखा गया वो महफूज हो जाता है अल्लाह तबारक ताल ने कुरान में ये चीज़ बताई लेकिन इंसान को जो है ना उसका यकीन नहीं आता क्योंकि उसको नज़र नहीं आती चीज़ इंसान जो है ना सबसे बड़ा बीमार है इस मामले में कि वो जब तक उसको नज़र ना आए उसको यकीन नहीं आता उसको जब तक नज़र ना आए इसलिए यकीन नहीं आता तो इसलिए अल्लाह तबारा फरमाते हैं कि यलका हु मंशूरा तो उस किताब को उस नाम अमाल को अपने हाथ में जब लेगा जब देखेगा जब पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा यलका हु मंशूरा इस अब जब अल्लाह ने फरमाया ना कि हम जो है ना इंसान की गर्दन के ऊपर लाजमी तौर तो पर लाजम कर देंगे और जैसे कि बाजी बातों में आता है कि भाई आपकी गर्दन में आपके तौक़ तरह पड़ा होगा आपका नाम अमाल आपका नाम अमाल आपके की तरह पड़ा होगा क्योंकि एक बात याद रखें ये जो मुख्तलिफ अहवाल बयान किए जाते हैं हशर के क़यामत के दिन के ये जो है ना ये सब हालात पेश आएंगे कभी ये सिचुएशन में होंगे कभी ये सिचुएशन में होंगे कभी ये सिचुएशन हो रही होगी क्यों पचास हज़ार साल का दिन है वो एक दिन पचास हज़ार साल का एक दिन है तो यहाँ दुनिया के अंदर ही आप देखें भाई कि कितनी तब्दीलियाँ होती हैं एक एक दिन के अंदर इंसान कैसे 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 तब्दीलियों से गुजरता है तो वहाँ कब तक हम खड़े हुए होंगे क्या क्या हो रहा होगा ये सब अहवाल वो हैं कि कहीं ये हालत बयान की गई कभी वो हालत बयान की गई कहीं ये हालत बयान की गई ये सब होगा अब कहीं तो आता है कि बिल्कुल अंधेरे में होंगे लोग और कहीं तो आता है कि भाई सूरज हमारे सवानजे पर होगा बिल्कुल जिसकी वजह से लोग जो है ना पसीने से शराबोर हो रहे होंगे अपने पसीने में आप अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे ये भी आता है रिवायतों में अब ये पहले आएगा या वो पहले आएगा क्योंकि जो है जब अंधेरे में खड़े हुए होंगे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा लोग चीख रहे होंगे परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है क्योंकि जब आपको कुछ नहीं हो हिसाब किताब भी नहीं शुरू होगा बस अंधेरे में लोग एक दूसरे के परेशान और चीख रहे होंगे और सब रो रहे होंगे अपनी फरियाद कर रहे होंगे लेकिन कोई फरियाद नहीं सुनी जा अब ऐसे मौके पर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे और फिर वहाँ जाके अला केसलम से सिफ़ारिश होगी फिर उसके बाद जो है फिर वो हिसाब किताब शुरू होगा अब हिसाब किताब जब शुरू होगा तो उसके बाद के फिर ये हैं कैसे कैसे मरहले होंगे अब ये सब चीज़ों में से एक चीज़ ये है अब अल्लाह तबारक को ताली फरमाते हैं कि हम हर इंसान के गले में जो है ना उसका नाम अमल डाल देंगे व वनुखरीजूल हुए उमलक़ियामती किताबन और हम जो है ना उस दिन किताब निकालेंगे हर एक के लिए ये अलका मंशूर आ उसको वो खुली हुई किताब को वो पढ़ेगा उसके बाद अल्लाह तबारा तबार फरमाते हैं कि जब हम वो किताब निकालेंगे उस वक्त उससे ये कहा जाएगा किताबक किताब किताबक अपना नाम अमाल पढ़ लो अब यहाँ पर जो है ना ये जब आपको दे दिया जाएगा हाथ में अब इंसान उसको देख रहा होगा अब आप चाहे रोते रहें चाहे देख के उसको ये करते रहें ये मैंने क्या किया ये मैंने क्या किया अब जब अल्लाह के सामने पेशी होगी वो अलग मौका है ये तो अभी हम अभी लाइनों में, में खड़े हुए होंगे अभी इंतजार में खड़े हुए होंगे अभी आने से पहले आपको जैसे फॉर्म दे दिए जाते हैं कि भाई जब तक भर के रखो जब तक तुम्हारा नंबर आएगा ये उससे पहले आपको ये नाम अमाल आपके हाथों में आ जाएंगे कि भाई पढ़ते रहो इसको देखो ज़रा क्या क्या किया तुमने इकरा किताब अल्लाह फरमाते इकरा किताब तुम्हारे के हाथ में जो है ना ये दे दी जाएगी कफ़ा बिनफ कल यौम अलैका हसीबा अल्लाह तबारक फरमाते हैं कफा बिनफ शिकल यूम यौम अलैका हसीबा आज काफ़ी है अपने आप अपने खिलाफ जो न, बजाते है ना बज़ात खुद अलैका हसीबा अल्लाह फरमाते हैं कि हिसाब किताब के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं आज आज जो चीज़ काफ़ी है वो तुम अपनी जाद, तुम्हारी ज़ात काफ़ी है कैसे अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये लिखी हुई किताब तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तुम उसको देख रहे हो तुम उसको पढ़ रहे हो अभी और हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है ये लो भाई आपका नाम है अमान बात ख़त्म अल्लाह ने फरमाया कि भाई पूरी चीज़ें लिखी हुई है दिन की रात की छुपे हुए जो कुछ किया था लोगों में बैठ के जो कुछ किया था जैसे जिस अंदाज में किया था अल्लाह तब तार फरमाते हैं कि गोया कि हर चीज़ उसमें मौजूद होती जब वो ऐसी मौजूद होती है कि वहाँ पे जो है ना अल्लाह एक तौ मंजरसर कहफ में भी बयान किया इसका एक हल्का सा नमूना जब वो वो दयाल किताब जब किताब दे दी जाएगी जब उनके पास किताब पहुँच जाएगी नाम अमाल पहुँच जाएगा फ़तरमजरमिन मुशफ़ी मम्माफ़ी और जब आप देखेंगे अल्लाह के नबी सरम कि ये मुजरम ये गुनागार और ये जो जो गलत काम करने वाले जो लोग होंगे वो उससे डर रहे होंगे कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ होगा वो लेना नहीं चाहेंगे किताब को हाथ में लेना नहीं चाहेंगे उनको अंदाजा हो जाएगा कि भाई हमारे जो अमाल थे हमारी जो हरकतें थीं उससे वो किताब को लेना नहीं चाहेंगे अल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद क्या होगा वह माली हादल किताब अब उसके बाद जब देखेंगे खोल कर देखेंगे माली हादल किताब इस किताब को क्या हो गया है लागिर ससैीरतन वाला कबेरा अल्लाह तबाता फरमाते हैं कि वो ये कहेंगे कि भाई इसने तो हर चीज़ लिखी हुई है ना कोई बड़ी चीज़ छोड़ी है ना कोई छोटी चीज़ छोटी हुई है हर चीज लिखी हुई है छोटे से छोटा अमल बड़े से बड़ा अमल आपका लिखा हुआ है चाहे वो अच्छाई के कबील से हो चाहे वो बुराई के कबील से हो अब उसके बादल तबा तला फरमाते हैं वदू हादिरा अल्लाह फरमाते हैं कि अब उन्होंने जो कुछ वो किया था वहाँ सामने अपने मौजूद पाएंगे अपने सामने मौजूद पाएंगे अपने सामने मौजूद पाने का क्या मतलब है यानी यानी बाद मुफसिन फरमाते हैं कि ये जो सामने पाएंगे का मतलब लिखा हुआ पाएंगे अपनी किताब में देख लेंगे मौजूद है सब और बाद मुफसरी ने फरमाया कि ये अपने सामने पाएंगे का मतलब ये है कि क़्यामत के दिन अल्लाह तबारक ताली हमारे अमाल को शक्लों में बदल देंगे शक्लों में बदल देंगे और वो शक्ल वहाँ पर खड़ी हुई होगी अच्छी शक्ल अच्छा अच्छा नेक ने, ने कामों की अच्छी शक्ल बनेगी और बुरे कामों की जो है ना बुरी शक्लें बनेगी इसी वजह से बाजयातों से मालूम होता है कि भाई जैसे कि कोई एक आदमी जब कब्रों से उठेंगे जब जब उस वक्त मामला होगा तो उस वक्त जो है ना आप के पीछे कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी चीज़ आपके पीछे भाग रही होगी आप उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे पीछा नहीं छुड़ाएंगे वो भगाता रहेगा आपको आप वो बचना चाहेंगे लेकिन वो ये कि मामला फिर आखिरकार वो यहाँ पे आके बात होगी कि भाई तू क्यों क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है बोले मैं तेरे आमाल हूँ दूर भाग यहाँ से मैं भाई भाग ही नहीं सकता क्योंकि मेरा तेरा तो हमेशा का साथ है भाग नहीं सकता मैं इन्हें अंदाज़ा लगाइए कि ये जो इंसान यहाँ पे अमल करता है अल्लाह तबारक वाली वहाँ पे उसको शक्लों में बदल देंगे बहुत जदू माजरा वाला मरबू काहदा और अल्लाह तबारक वाली जो है ना ये किसी पर जुल्म नहीं करते किसी पर अला किसी पर जुल्म नहीं करते अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ भी है हमने निज़ाम ऐसा बना दिया है कि लिखी हुई बात होगी और बिल्कुल डाक्यूमेंटेड होगा मामला किताब कफ़ा बिनाफ्स कर जाओ मालिका हसीबा मनी तदा इन नमा यह तदी नफ़सी. और अल्लाह तबारा को तला फ़रमाते हैं कि जो शद सीधे रास्ते पर चलेगा तो गोया कि वो सीधे रास्ते पर है लिनफ्सी ही अपने ही फ़ायदे के लिए जैसा कि अभी आई बात के ऊपर भी आई थी ये अल्लाह तबारा बार बार बयान करते हैं तुम मत समझो कि तुम नमाज़ पढ़ लोगे रोज़े रख लोगे कुरान पढ़ लोगे सरका खैरात कर लोगे अच्छे अच्छे काम करोगे अल्लाह को कोई फ़ायदा होगा हैं अल्लाह का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है अल्लाह का ना कोई फ़ायदा है और तुम गलत करो तो अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं है इसलिए फरमाया कि वमन गलफ इन नमायदा और जो कोई जो है बे बेरा रवि अख्तियार करेगा अल्लाह फरमाते हैं कि उसका नुकसान भी उसी को उठाना है मायल वज़र व वजरत उखरां अब आगे अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि हमारा निज़ाम ऐसा है कि हमने ऐसा बनाया है कि एक का बोध दूसरा नहीं उठाएगा वला तजर वाजरत उखराँ ये जो है अल्लाह तबार को ताल फरमाते हैं कि ये जो वत्त को योमल्ला तजी नफसन नफसिन शय वलाकबल उसर बकरा में याद दो तीन जगह आती है कि उसमें जो है ना अल्लाह तबारको तौ नज़ाम बताया है वो निज़ाम ये है कि जब आदमी अल्लाह के यहाँ सामने पहुँचेगा तो वो उसको अपने अमाल का जवाब खुद ही देना है अपने अमाल का जवाब खुद ही देना है और जितनी शक्लें हो सकती थी अल्लाह ने सबकी वहाँ पर नफ़ी कर दी यानी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप मुजरिम बन के अल्लाह के सामने हाजिर हुए अल्लाह के सामने अगर मुजरम बन के आए और आपने क्या किया कि भाई किसी को अपने बदले में आगे कर दिया अच्छा भाई इसके बदला ले इसको पकड़ लो मुझे छोड़ दो दुनिया में तो ये हो सकता है दुनिया में कभी सियासी ताकत के बलबूते पर कभी जो है ना माल दौलत के बलबूते पर कभी असर और रसूख की बुनियाद पर कहीं भी जो है ना ये इस तरह से हो सकता है कि भाई या तो ये कि खुद बच जाए या ये कि अपनी जगह किसी गरीब को फँसा दे आदमी क्यों भाई इतना बड़ा जब जुर्म हुआ है तो कोई तो किसी को तो चाहिए रजिस्टर में लिखने के लिए तो आप किसी को आगे कर दें किसी को और को जो है ना कुर्बानी का बकरा बना दें और आप सब निकल जाए अल्लाह फरमाते वहाँ वो भी नहीं होगा और कभी ऐसा होता है कि रज़ाकारा तौर पर अब आपने देखा कि भाई बाप जो है ना फंस गया है बेटे को रहा आ गया बेटे ने कहा कि भाई अब्बा जान आप भर जाएँ आपकी जगह मैं ये करता आपकी जगह यह सजा मैं भुगत लूंगा अल्लाह फरमाते ये भी नहीं होगा वहाँ या कोई सिफारिश करके या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी को आगे करें वो भी नहीं कर सकते न रजाकाराना तौर पर न ज़ोर ज़बरदस्ती तो अल्लाह तबारक ने एक उलूल ऐसा बयान किया वज़िर वाजिरतुरा चाहे वो बाप बेटा हो चाहे वो माँ बेटा हो चाहे वो कोई भी हो कैसा ही रिश्ता क्यों ना हो वो एक दूसरे का बोझ कोई नहीं उठाएगा वहाँ इसीलिए जो है ना ये अल्लाह तबारक वाली ने ये बार, बार बार बयान किया है अब ये भी जैसा कि एक रिवायत में आता है ना कि बहुत तफसील आती है उसकी कि क्या होगा कि वो एक मंजर एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे तो लोग भागना शुरू करेंगे पैदा जाते साखा यूमा फिर उमिन ख़ी व उम्म ही व अभी व साहबती व बनी अपने भाई से भी भागेगा अपनी माँ से भी भागेगा अपने बाप से भी भागेगा देखेगा कि अरे मेरा बाप नजर आ रहा है तो वो छुप जाएगा कोशिश करेगा कि भाई नज़र में ना पढ़ू मैं क्यों कि कहीं मुझसे कोई एक आध नेकी ना मांग ले वो कोई मुतालबा ना कर दे आज क्योंकि हर आदमी को जो है अपनी फिक्र होगी उस वक्त वो, वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा होगा उसकी तो ये कैफियत होगी कि अगर आज मैं बच जाऊँ मैं छुट जाऊँ बस काफ़ी है मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं तो इसी वजह से वो छुपेगा कि माँ नजर आएगी तो छुप जाएगा और बेटे के साथ भी वही होगा माँ का खुद मामला ये है कि बेटा नज़र आया तो माँ छुप जाएगी क्योंकि वो मुझसे पूछ ना ले गई और होगा भी जब सामना होगा तो फिर वो अपने रिश्ते याद दिलाएगा याद है तू मेरी माँ है तूने मेरे लिए ये किया था वो किया था वो किया था आज सिर्फ एक ने की दे 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 तो माँ भी कहेगी कि नहीं तेरे पास हो तो तू मुझे दे दे मुझे ज़रूरत है यानी मतलब ये कि अजीब मंजर होगा वो तो ये जो अल्लाह तबारा फरमाते हैं कि वला तज़िर वाजरत वज्र उखर और ये याद रखे कुरान इसको बहुत जगह दोहराता है वला तज़िर वाजर वला तज़र वाजरत वज्र उखर ये जो है ना एक उसूल है जो अल्लाह तबारा हमारे जहन में बिठाना चाहते हैं इसको समझ लो ये उसूल ऐसा है कि ये बहुत सी जगहों पर अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह तबारा क़्यामत का जिक्र फ़रमाते हैं नाम अमाल के हवाले से फरमाए कि कोई वॉल्ट्रिल आके आपका बोझ लेना चाहे अल्ला फरमाते नहीं होगा और ये वला तजर व वाजिर तो बादशाह का ऐसा अल्लाह तबारा इसको इस्तेमाल फरमाते हैं कि वहाँ से जो मफहम निकलता है वो ये कि जैसे दुनिया का अकीदा है ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए फ़लाने जो है ना हमारे लिए कफ्ारा बन जाएंगे हम चाहे कुछ भी करें हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफ्वारा ये बन जाएंगे एक को अल्लाह तबारक तौला ने पकड़ लिया सबको छोड़ दिया ये अल्लाह का उसूल नहीं है अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हाँ वो ज़िम्मेदार है तो वही भुगतेगा और अगर तुम ज़िम्मेदार होगे तो तुम ही भुगतोगे ये अल्लाह ताली का कानून ये है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तौर ने बार बार ये चीज़ बताई है और बहुत अच्छे अंदाज़ में खुले हुए अंदाज़ में वला तज़र वज़रत वज़र उखरा उसके बाद अल्लाह तबारक ताली फरमाते हैं हमा कुरनादी ना हत्या नबाता रसूला और हम सजा नहीं देते जब तक कोई रसूल नहीं भेज देते यानी अल्लाह तबारक वाली का ये भी एक अजीब मामला है अल्लाह की एक सुन्नत है अल्लाह तबारक वाली जब कभी किसी पर अजाब भेजना चाहते हैं तो अल्लाह कभी ऐसा नहीं करते कि अचानक हमला कर दें या अचानक अल्लाह किसी को पकड़ लें अल्लाह फरमाते हैं कि हम मोहलत देते हैं मोहलत देते हैं और उनको मोहलत देते हैं और वक्त देते हैं और अल्लाह तबारा एक जगह फरमाते हैं कि उनको जो है ना थोड़े थोड़े साइंस भी अल्लाह दिखाते हैं समझ जाओ समझ जाओ और अल्लाह तबारा ने सूरज सजदा के अंदर कैसी बात फरमाई है वनक मे नादाबिल अदना दू नलादाबिल अकबर कभी हम क्या करते हैं उनको थोड़ा सा चकाते हैं नशतर लगाते हैं थोड़ा सा कभी जो है फ़कर फाके का कभी बीमारी का कभी कि, किसी के करीबी आदमी के इंतकाल हो जाने का कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक़ उसको नश्तर लगाते हैं और उसके ज़रिए से अल्लाह उसको ये बताना चाहते हैं लाल लहूम या ज्यून ताकि ये पलट के आ जाए अल्लाह के पास कभी शायद अल्लाह के सामने ये तोबा कर ले अल्लाह तबारक वाले फरमाते हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं हमारा मकसद किसी को परेशानी में डालना नहीं है अल्लाह को कोई अच्छा नहीं लगता कि कोई परेशानी में रहे कोई तकलीफ़ में रहे लेकिन बंदे के हक में वही बेहतर होता है जैसे कि मिसाल बारह हमारे सामने आ चुकी है कभी अगर आपको सर्जरी करना पड़ जाए डॉक्टर को भी तबीयत नहीं चाहती कि आपकी चीर फाड़क चीर फाड़क आपके लिए बिला हो जाए लेकिन आपके भले के लिए होता है वो आपके फ़ायदे के लिए उसको जिस्सा काटना पड़ता है वो हिस्सा निकाल देना पड़ता है जिसम के उस हिस्से को अलग कर देना पड़ता है ये अल्लाह तबारक तार फरमाते हमारा भी जो हो, होता है निज़ाम बिल्कुल इसी तरीके से कि कभी इंसान को तकलीफ़ में मुबला कर दिया कभी उसकी सेहत अल्लाह तब ले लेते हैं तो ये सब चीज़ें सब सारा निज़ाम अल्लाह तबा तारा फरमाते हैं इसीलिए होता है तो यहाँ जो अल्लाह ने फरमाया कि वमाकुलना मालिबीन हत्या नबाता रसूल रसूला, हम उस वक्त तक किसी को अजाब नहीं देते जब तक कि हम अपना कोई रसूल ना भेज दें ये जो है ना ये एक बात ऐसी है कि यहाँ पर ये मतकलमिन इस्लाम जो हैं फ़लासफ़र्स जो मुस्लिम फ़लासफ़र्स हैं उन लोगों ने बड़ी बहसें की है यहाँ पे इस आयत के टुकड़े में और क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त ये बात भी है देखिए आप बात कैसी अल्लाह फरमाते हैं हम सज़ा नहीं दें किसी रसूल यानी किसी को जब तक के रसूल को ना भेज दें तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसी कौम है जिन तक जो ना रसूल की दावत ही ना पहुँची हो कि रसूल के आने का उनको इल्म ही ना हुआ हो तो क्या उनको भी अल्लाह तबा सजा देंगे हालांकि अल्लाह तो ये कह रहे हैं कि हम दो तक सज़ा देंगे ही नहीं जब तक के रसूल को ना भेज दें अब इस सज़ा से कौन सी सज़ा मुराद है इस वजह से भी फिर अख्तलाफ कि भाई ये सज़ा क्या दुनियावी सज़ा मुराद सिर्फ या अखुरी सज़ा मुराद है तो अब यहाँ पर जो है ना उन लोगों ने इसको बिल्कुल जनरल रखा और कहा कि भाई ये दोनों मुराद हो सकती हैं कि भाई दुनियावी सज़ा भी और आखिरत की सज़ा भी और तो अगर आप इसको दुनियावी सज़ा ले लें तो अल्लाह के तबार का ये तो मामला आसान है फिर तो जो है ना बहुत सी मरतब क्या होता है कि आप देखें कि यहाँ दुनियावी सज़ा से क्या मुराद है कि अल्लाह का आज़ाब जो आता है कभी इज्तमी तौर पर जो आता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम उस वक्त तक नहीं कहते जब तक कि कोई रसूल ना भेज दें तो अब उस वक्त ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस रसूल से कौन से रसूल मुराद है फिर रसूल का लफ्ज़ जो है यहाँ लोघवी माना में इस्तेमाल हुआ है अगर हम ये बात लेते हैं लोघवी माना में लोघवी माना में क्या होता है कि अल्लाह तबारक व ताली की तरफ से निशानियाँ आती हैं साइंस आते हैं कि इंसान संभल जाए इंसान जो है अल्लाह की तरफ रुजू कर ले जैसा कि मैंने अभी आपको बताई थी दो चार मिसालें देखें कि वो अल्लाह तबारक वाली की तरफ से रसूल की शक्ल में हमारे पास आती है तो ये रसूल से मना वो रसूल नहीं है जो शरी रसूल तो ये तो अल्लाह तबार को तौला फरमाते हैं कि हम जब तक अपनी तरफ से किसी को वार्निंग नहीं देते या उनको वार्न नहीं किया जाता उस वक्त तक हम किसी पर अजाब नहीं भेजते ये अल्लाह की सुन्नत है अब वो क्या होता है कि इंसान के ऊपर वो निशानियाँ आती हैं अल्लाह की तरफ से रसूल भेजे जाते हैं एक के बाद एक पैदर पर आते रहते हैं या थोड़े थोड़े अरसे के बाद आते रहते हैं इंसान बजाय उसके संभलने के उसको बस कहता है ठीक है एक हादसा था हो गया ख़त्म हो गया फिर वही अपने कामों में लग जाता है फिर अपने उसी डगर पर चलने लग जाता है फिर अल्लाह तबारा अल्ला ताली फिर एक मरतबा उसको झिंझोड़ते हैं लेकिन वो आदमी बाज़ नहीं आता वो कौम बाज़ नहीं आती तो फिर अल्लाह तबारक ताली अब अपना निज़ाम चलाते हैं तो अल्लाह तबारक ताली फरमाते हैं कि हमारा ये असूल है कि जब तक हम कहीं पर रसूल न भेजें वहाँ तक आजाद नहीं देते तो वो जो मैं बात कर रहा था तो यहीं पर वो बात की गई है कि भाई जिनके ऊपर रसूल नहीं आते जिनके पास तो उनको अजाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा इसमें जो है ना फिर फिलासफर साफ़ इस्लाम जो है बड़े मुख्तलिफ हो गए उन लोगों ने कहा कि भाई जब अल्लाह ने साफ तौर पर बात बताई है तो इसका मतलब ये है कि उनको अजाम नहीं दिया जाएगा अब जैसे एक सवाल पैदा होता है कि भाई दो नबियों के बीच की जो कौमें हैं अब मिसाल के तौर तो पर हमारे पास देख लें ईसा सलाम सले के नबी पाकल साम तक बीच में कोई नबी नहीं आए तो अब जब लोग इसमें मर गए हैं जिनका इंतकाल हो गया है उनके लिए क्या होगा क्या वो जहन्नम में जाएंगे जन्नत में जाएंगे उनका अल्लाह उनके साथ क्या मामला फरमाएंगे ये चीज़ अब इसी के साथ साथ जो है ना फिर दूसरे वो भी आते हैं कि जो जिनको जो है अल्लाह तबारक वाली यानी जहनी तौर तो पर जिनको माज़ूर बना दें उनका क्या होगा फिर इसी के साथ साथ वो आता है कि भाई जो बच्चे नाबालिग रहते हैं अभी बालिग नहीं होते बड़े नहीं होते इससे पहले जिनका इंतकाल हो जाए उन बच्चों का क्या होगा इतनी सारी बहसें सब इस आयत के टुकड़े के तहत आती हैं ये इसमें खुलासा जो है ना ये देखें कि एक जमात इसमें इस तरफ गई है कि भाई अल्लाह तबारक वाली उस वक्त तक उनसे नहीं अजाब नहीं देंगे जब तक के उनको मैसेज ना पहुंच जाए और एक जमात का कहना यह है कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन अल्लाह तबारक वाली का मामला यह है कि अल्लाह तबारक हर आदमी को उसकी सलाहियत के एतबार से सवाल करेंगे हर एक का सवाल जो है ना जैसे स्कॉलर्स होंगे तो उनका उनकी पूछ अलग है आम आदमी की पूछ अलग है और अगर जिसकी अकल नहीं है या कमज़ोर अकल वाला है तो उसकी पूछ अलग है अल्लाह तबारक वाल उसका जो लेवल होगा उस लेवल के लिहाज से पूछेंगे तो ये जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि हाँ ठीक है कि अल्लाह तबारक वाली उससे अकामे शरीय नहीं पूछेंगे कि भाई तुम नमाज़ पढ़ते थे नहीं तुमने रोजे नहीं रखे तुमने ये नहीं किए ये अहकाम की पूछ नहीं होगी उससे क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद वादा किया ना अल्लाह यहाँ उनकाम की पूछ नहीं होगी लेकिन फिर किस बात की पूछ होगी फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने उसको अकल दी है तो उस उसल की बुनियाद पर इंसान के ऊपर लाजिम है कि वह अपने पैदा करने वाले को पहचाने और उसके एक होने को पहचाने उन लोगों ने उसका मैार बताया कि भाई कितनी अकल क्योंकि अकल के भी फिर लेवल्स हैं कितनी अकल चाहिए उसको कहा कि भाई मिनिमम लेवल अकल का जो है वो ये है कि इंसान जो है ना जो खाने की चीज़ है उसको मालूम है कि भाई क्या चीज़ खाई जाती है और क्या चीज़ नहीं खाई जाती चाहे वो जंगल में रहता हूँ कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई होगी लेकिन उसको मालूम है कि भाई यहाँ पे जो है ना ये फ़्रूट हैं ये फल हैं ये पानी पिया जा सकता है और ये फल खाए जा सकते हैं या कुछ नहीं तो ये पत्ते खाए जा सकते हैं वह जाए पत्तों के पत्थर उठा के नहीं खाना शुरू कर देता अगर वो इतनी अकल उसके अंदर है तो अल्लाह तबारक वाल को पहचानना उसके ऊपर लाजिम है ये इस ग्रुप का कहना है क्यों अल्लाह तबारक तौ ने जो अकल दी है अकल ही का तकाजा है इसी वजह से अब आप वहाँ पर जाएँ दोबारा कि आपको याद होगा कि अल्लाह तबारक तौर ने सबसे जो अहद लिया था हम जो पैदा होने से पहले आदमी साम के पुष्ट से अल्लाह तबारक ने सबको निकाला और जो अल्लाह ने जो वादा लिया था वो उसकी वजह से जो है ना हर एक के अंदर तो है बिल्टिन है बाई डिफ़ॉल्टे तो हर एक के अंदर है तो वह फरमाते हैं कि उसकी बुनियाद पर उसको सिर्फ़ इतना भी अगर वो पहचान लेके भाई हाँ मेरा कोई पैदा करने वाला है उसकी छुट्टी उसकी छुट्टी यानी उसके साथ ये नहीं होगा कि हमारे तरह जैसा हर नमाज का सवाल हो या भाई ये तुमने ये नहीं किया ये वो नहीं किया अखलाक वगैरह ये सब वो सब अपनी जगह तो ये अल्लाह तबारक फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी सुन्नत बयान की है हम सज़ा नहीं देते जब तक कोई रसूल नहीं भेज देते यानी मतलब ये है कि जैसे दुनिया के अंदर भी यही होता देखा ना आपने ये बड़ी बड़ी जमातें ब्याई वगैरह ये क्या करते हैं पहले एविडेंस के ना पूरे कलेक्ट करना शुरू करते हैं जब कोई मालूम होता है तो फिर वो वॉच करते हैं उसको वो समझता है कि मैं आज़ाद हूँ फ्री हूँ मगर वो उसको वॉच किया जा रहा है हर चीज़ की रिकॉर्ड हो रही है हर चीज़ उसकी लाई जा रही है जमा की जा रही है अब जब वो देखा कि भाई आ अब आ गया मामला पूरा ख़त्म अब इसकी लिमिट हो गई है उस वक्त उसको पकड़ा जाता है और ऐसे पकड़ते हैं कि फिर वो इनकार नहीं कर सकता क्यों इनकार करते उसकी किताब खुल जाती सामने ये ये तुमने इस मौके पर ये किया था इस मौके पर ये किया था ये सारी चीज़ें उसके सामने तो अल्लाह का निज़ाम भी ऐसे ही काम करता है तो हमें नज़र नहीं आता लेकिन अल्लाह का निज़ाम भी बिल्कुल यही काम करता है अल्लाह यही फरमा रहे हैं इसमें कि हम उस वक्त तक आदाब नहीं देते जब तक कि अपना रसूल न भेज दें यानि हजत पूरी ना कर दें हजत पूरी होगी तभी जाके हम उसको किसी को पकड़ेंगे वहीदा आरदना अनहली का करियतन अमरना मुतरफी हा फकूफ़िहा फ़क्रुद्मर ना तद मीरा अल्लाह तबारक तौला फरमाते हैं कि हाँ और जब हम ये चाहते हैं कि हलाक करें किसी बस्ती को तो हम हुक्म देते हैं ईमान इतहात का उसके खुश ऐश लोगों को बस वह हद से तजावज़ कर जाते हैं फ़क्ा आल हल्कमरना तदमीरा अच्छा अल्लाह तबार को ताल फरमाते हैं कि देखिए है, यहाँ पे एक अजीब दूसरी सुन्नत अल्लाह तो की उसी से मुत्ल है ये जो अभी पिछली आयत में बात आई थी उसी से इसका ताल्लुक है इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि वा अरा दिन अनुहली का करतन अमर मुतरफ़िया जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो अल्लाह तबार तला फरमाते हैं कि हम उसके अहल सरवत जो होते हैं मालदार लोग जो होते हैं असर रसूख वाले जो लोग होते हैं उनको हुक्म देते हैं किस चीज़ का ईमान लाने का अल्लाह पर और अल्लाह की इतात का अल्लाह पर ईमान लाने का और अल्लाह की इतात का हुक्म देते हैं मुतरफ़िया फ़फ असकूफ और ये लोग क्या करते हैं उस हुक्म की नाफ़रमानी करते हैं और हुक्म हमदुली कर जाते हैं तो अल्लाह तबारक तआला फ़रमाते फहक का आलि अल al कऊल अल्लाह तबारक तआला की तरफ़ से जो अल्लाह का फ़ैसला होता है वो उन पर लागू कर दिया जाता है फाहक का आल अल्का फ़द् तदमीरा और अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं फिर उस बस्ती को हम क्या करते हैं पूरी तरह से गारत कर देते हैं फ़दम मरना तदमीरा अब ये जो है क्या है ये यहाँ पे एक अजीब बात है अल्लाह तबारक तआला ने ये नहीं कहा कि पूरी बस्ती को अल्लाह किस को कह रहे हैं वदा अरदना अनहली का करियतन अमरना मुतरफी मतरफी मुतरफ़ मुतरफ का मतलब ये होता है जो खुशहाल लोग होते हैं जो मालदार कस्म के लोग होते हैं या जो है ना सोसाइटी के अंदर जो ऊँचे तबके में शुमार किए जाते हैं वो लोग मुरादे हैं अब यहाँ अल्लाह तबारक वाली उनको खास तौर पर कह रहे हैं यानी पूरी बस्ती पूरी कौम की बात नहीं हो रही है अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको हुक्म देते हैं ये चीज़ सोचने की है कि अल्लाह तबारक वाली ने सब को छोड़कर इनको क्यों खिताब किया फिर आप तो ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ भी पार्शलिटी आ गई बात पार्शलिटी की नहीं अल्लाह तबारक ये क्या किया कि आपके सामने एक निज़ाम रखा है उस निज़ाम को अगर आदमी सोचे कि अल्लाह क्या करते हैं अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि भाई तुम्हारा मालदार तबका जो साहेब सरवत होता है वो ऐसा तबका होता है वो जिस तरफ चल पड़े सोसाइटी उसी तरफ चल पड़ती है ये है वो चीज़ जो अल्लाह तब इसमें बता रहे हैं और आप देखें कि यह आपके जो है ना ये फैशन वगैरह कौन बनाता है यही तबका जो ये पहन ले वो फैशन कल के दिन यहाँ से कटा हुआ पहन ले वहाँ से फटा हुआ पहन ले वही फ़ैशन क्यों कि उनकी जो इज़्ज़त है उनकी जो शोहरत है उनकी जो दौलत है उसकी वजह से जो ना वो फैशन बन जाता है और दूसरी जगह तो ये अल्लाह तबारक ने पूरा मुकालमा नकल किया इनका ये मालदारों का गरीबों का मालदारों गरीब का गरीबों का हती के वहाँ पर जाके जो है ना ये तो कहते हैं मालदार के भाई हमने रोका था तुमको अल्लाह की बात मानने से हमारा तो कोई इख्तियार नहीं था तुम पे हमने तो नहीं रोका था तुमको तो वो क्या कहेंगे फिर आखिर में बल मकर फिर कहेंगे कि भाई रात दिन के मालिक तो तुम ही थे तुम तो अगर दिन को भी रात कहते तो हमें रात कहना पड़ता था क्योंकि हम तो मजबूर थे हम तो माजूर थे उस एबार से हमारे पास कुछ नहीं था जो कौम का धारा बनाते हैं जो कौम का रुख मोड़ने वाले होते हैं ये साहिब सरवत लोग होते हैं ये बिगड़े तो समझे पूरी कौम बिगड़ी कैसी अल्लाह तबारक ने बात बताई है इसको समझना है ये बहुत ज़बरदस्त अल्लाह तबारक तारा ने बात बताई है कि आदमी ये ना समझे कि वो बहस आप कौम यानी सोसाइटी के अंदर ऊंचे बन जाने से या सोसाइटी के अंदर मालदार हो जाने से आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि अल्लाह तबा अल्ला तो अब यहाँ तो ये यह बता रहे हैं कि आपका उठना बैठना चलना फिरना तरीके गुफ्तु आपका हर अंदाज हर अदा आपकी जो है ना अब ये काउंट होगी इस लिहाज से कि आप कौम के लिए एक रुख मुतन करने वाले ये अल्लाह तब तक तो इसलिए अल्लाह तबारक ताल फरमाते हैं कि अब आप वो देख लें कि भाई फिर उन लोगों का स्वाब भी इतना ही है अगर वो सीधे हो गए तो क्या हुआ अब जितने लोग उनको फॉलो करेंगे उन सब का स्वाब अल्लाह तबारक ताली कलेक्टिवली उनको भी देंगे वैसे कौम के जो है ना इलीट तबका अगर सुधर जाए और वो सही हो जाए तो अल्लाह तबारा फरमाते हैं कि उनका देखा देखी दूसरे जो अमल करेंगे उनको भी वही अज़र मिलेगा

कि भाई अल्लाह पर ईमान ले आओ अल्लाह की बात मानो उन लोगों ने उसकी नाफरमानी की और उसको हुकुमदुली की और फिर नौ सलाम के साथ जो सलूक उन लोगों ने किया अल्लाह तबारा फरमाते उनकी पादाश में जो है ना हमने पूरी कौम को हलाक किया वक़ा महिला के नामबादिन वकफा बे रबी के बेदिनूब इबादही खबीरम बसरा और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने के अतबार से काफ़ी है अल्लाह तबारक तौर हम सबको कुराना मजिद को सही तौर पर समझने उस पर अलम करके तोहफ़ी तरें वाखद पीछा करें क्या वा? الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد